नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर है। कमलनाथ जी, वाकई अब आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सिख समाज ने आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की है। सिख समाज का कहना है कमलनाथ सिख दंगों के मुख्य आरोपी हैं। रकाबगंज गुरुद्वारे पर कमलनाथ ने दंगों को भड़काया था, जिसकी वजह से कई सिख मारे गए थे। सिखों के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कमलनाथ जी, आपके पास मुख्यमंत्री के रूप में गिनती के दिन बचे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसका मजमून कमलनाथ जी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस चिट्ठी में आपको मुख्यमंत्री पद के साथ कांग्रेस से बाहर करने की मांग की गई है। सिख समाज ने सोनिया गांधी से कहा है कि आप सत्य को स्वीकार करें और 1 नवंबर 1984 के सिख दंगों के मुख्य आरोपी कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाएं, क्योंकि जब तक कमलनाथ पद पर बैठे हैं उनके मामले में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सिरसा की इस चिट्ठी ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। सिरसा ने इस नरसंहार के लिए सीधे सीधे कमलनाथ को आरोपी माना है। कांग्रेस के कई गुट इस मामले में सक्रिय हो गए हैं और कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश में कौन, इस पर भीतर ही भीतर चर्चा शुरू हो गई है। इस मामले का सीधा असर अब कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश की सियासत पर भी पड़ने वाला है। न्याय के लिए लड़ रहे मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कमलनाथ जी, आपके पास मुख्यमंत्री के रूप में गिनती के दिन बचे हैं, क्योंकि इस मामले में आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। कमलनाथ वहां पे था और कमलनाथ ने इंस्टिगेट किया क्राउड को। अब कमलनाथ के दिन गिनती के हैं। बड़ी जल्दी ही 1984 के कत्लेआम के केस में कमलनाथ को जेल जाना होगा। 1984 में रकाबगंज के कत्लेआम में कमलनाथ की क्या भूमिका थी, अब इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। इधर रकाबगंज गुरुद्वारे की घटना का रिक्रिएशन भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि घटना के दिन कमलनाथ किस अंदाज में थे, कमलनाथ ने कैसे लोगों को उकसाया और एक नरसंहार ने जन्म लिया। इस रिक्रिएशन में कमलनाथ का मुखौटा लगाए एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए दिखाया गया है। इसमें उस मंजर की भयावहता साफ नजर आ रही है। इन्होंने मेरी मां को मारा, खून का बदला खून से लेते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गिनती के दिन बचे हैं। सिख विरोधी दंगे के चश्मदीद संजय सूर्य ने गवाही दे दी है कि उस दिन कमलनाथ ने लोगों को उकसाया था। सिरसा का कहना है कि इस मामले में कमलनाथ को जेल भी जाना पड़ सकता है। 35 सालों से 1984 के सिख विरोधी दंगों में न्याय के लिए लड़ रहे लोगों के साथ खड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की माने तो दंगों के चश्मदीद संजय सूर्य ने सारा सच नानावटी आयोग को बताया है। इस मामले में SIT केस नंबर 601/84 के तहत इस मामले की जांच कर रही है। सिरसा ने अपने पत्र में सोनिया गांधी से कहा है कि सारी दुनिया की नजर आप पर है, आप इस मामले में नरसंहार के मुख्य आरोपियों कमलनाथ और जगदीश टाइटलर पर क्या एक्शन लेती हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।